गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों आज हम इंग्लिश लेटर एस लिखेंगे। एस कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये सभी लेटर जैसे लिखते हैं, सब लेटर जो लिखे हैं, पहले लेटर होता है हम उसको जॉइंट करते हैं, और ये भी आज हम जॉइंट करेंगे। देखो मैं जॉइंट कर रही हूँ, देखो इसको ये साइड से लेना है आपको। ये हो गया, ये क्या है बच्चों, ये है हाफ सर्किल, हाँ ये हाफ सर्किल हो गया, और इसको आपको इसे राइट टर्न बना के इसे ऊपर लाना है नीचे। ये है एस, ये देखो ये बन गया हाफ सर्किल, और इसको आपको ऐसे लिखना, ये राइट टर्न बनाना है, और ये है नीचे की तरफ लेने से ये है थोड़ा स्लैंटिंग लाइन बीच में जो हो जाएगा ना, और फिर ऐसे ये राइट टर्न बन जाएगा। तो ये हो गया एस हाफ सर्किल, और ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन, और ऐसे ये राइट टर्न। तो बच्चों ये है एस, आपको ऐसे एस लिखना है बच्चों, ऐसे आपको एस लिखना है। और बच्चों ये एस आपको इंग्लिश बुक में लिखना है, ओनली नॉन बुक में आपको लिखना है। देखो बच्चों ये यहाँ डॉट है, इसको आपको जॉइंट करना है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक लाना है। देखो ये हो गया ना हाफ सर्किल, और इसको ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन करके राइट टर्न बनाना है, ये है एस। और आप जब ये एस लिखोगे तो एस फॉर ये 68 पेज में लिखा है, वार लिखा है फोर वार्स है, आपको इसको बोल बोल के लिखना है। देखो ये है सीप, एस फॉर सीप, एस फॉर सन, एस फॉर शू, एस फॉर शर्ट। देखो बच्चों सीप, सीप कहाँ जाता है, वाटर में जाता है, और ये है सन जो सुबह दिखता है, और ये है शू, शू आप पहनते हो, और ये है शर्ट, शर्ट भी पहनते हो ना, ये पैर में पहनते हो, और ये शर्ट पहनते हो आप। शर्ट कहाँ पहनते हो, देखो ये हैंड वाला शर्ट है, आपको शर्ट पहनना है, शर्ट पहनने से आप अच्छे दिखते हो ना। देखो सी एस फॉर सीप, एस फॉर सन, एस फॉर शू, एस फॉर शर्ट आप पहनते हो ना, शू भी पहनते हो, शर्ट भी पहनते हो, और सन देखो जब सुबह होता है तब सन दिखाई देता है, और ये है सीप, सीप पानी में वाटर में जाता है। बच्चों आपको ये जब एस लिखोगे तो ये वर्ड्स बोल बोल के लिखना है। ओके।